हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में हम यहाँ बात करें। सीआईबी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है। पहला सवाल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा क्या चीज एडमिनिस्ट्रेटर होती है? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सेबी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी यानी आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है, लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज डीलर्स इज इश्यूड बाय। जो लाइसेंस दिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए ताकि जो डील कर सके ऑथराइज डीलर्स जो होते हैं, जो मतलब ऑथराइज डीलर्स को जो लाइसेंस मिलता है ताकि वो डील कर सके फॉरेन एक्सचेंज में, कौन इशू करता है? ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन एफडीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन एक्सिम बैंक, ई ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी आरबीआई। तीसरा सवाल है, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय। भारत में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कौन गवर्न करता है? ए ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, डी ऑप्शन है आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सही ऑप्शन हो जाएगा डी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। चौथा सवाल है, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स आर द फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑथोराइज टू अंडरटेक। और जो रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स होते हैं वैसे फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अंडरटेक करती हैं। ए ऑप्शन है सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स कॉइन्स एंड ट्रेवलर्स चेक्स विद द पब्लिक, बी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स कॉइन्स एंड ट्रेवलर्स चेक फ्रॉम द पब्लिक, सी ऑप्शन इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इम्पोर्टर कस्टमर्स, डी ऑप्शन है बोथ सेफ एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स कॉइन्स ट्रेवलर्स चेक टू फ्रॉम द पब्लिक, ई ऑप्शन है आइदर ए और बी अबव। सही ऑप्शन है बी परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर्स चेक्स फ्रॉम द पब्लिक। पांचवा सवाल है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स आर द फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑथोराइज टू प्रोटेक्ट। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स वैसी फॉर्म्स होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऑथोराइज होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ए ऑप्शन है सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस ट्रेवलर्स चेक टू द पब्लिक, बी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस एंड ट्रेवलर्स चेक फ्रॉम पब्लिक, सी ऑप्शन है इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इम्पोर्टर कस्टमर्स, डी ऑप्शन है बोथ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस ट्रेवलर चेक फ्रॉम पब्लिक टू एंड फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, ये ऑप्शन है आइदर ए और बी अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा डी बोथ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइंस ट्रेवलर चेक टू एंड फ्रॉम द पब्लिक। छठा सवाल है, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ए ट्रांजेक्शन। मतलब फॉरवर्ड एक्सचेंज फॉरेन ट्रांजेक्शन में होते हैं तो क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है डेट इज टू बी सेटल्ड ऑन द सेम डे, बी ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सी ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ई ऑप्शन है इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस आफ्टर एटलीस्ट 90 डेज बियॉन्ड द डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी इन विच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सातवां सवाल है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ डील एंड डेट ऑफ डिलीवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। बोलता है जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ डील के साथ, जहां पे डेट जो होती है डिलीवरी की और डेट ऑफ डिलीवरी के साथ, यहां पे कौन सा और चीज होगा जिसको हम सही नहीं मानेंगे, यहां पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका कैश विच इज टू बी सेटल्ड ऑन सेम डे, बी ऑप्शन हो जाएगा स्पॉट डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सी ऑप्शन है टर्म डिलीवरी फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन है फॉरवर्ड डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बियॉन्ड सेकंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा ई नन ऑफ दिस। आठवां सवाल है, फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बैंक फॉरन बैंक्स मेंटेन अकाउंट्स विद एडीज इन इंडिया इन इंडियन रूपीज इन देयर म्यूचुअल कम्युनिकेशन, ऑथराइज डीलर्स इन इंडिया जो एडी हो गया, एडीज इन इंडिया रेफर टू सच अकाउंट एज डैश अकाउंट। जो पर्पज होता है फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का, फॉरन बैंक अकाउंट मेंटेन करता है एडीज के साथ भारत में इंडियन रूपीज में, या जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है एडी को रेफर किया जाता है इस अकाउंट के लिए,
ए ऑप्शन है लोरो, बी ऑप्शन है एफसीएनआर, सी ऑप्शन है वॉस्टो, डी ऑप्शन वॉस्टो, ई ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वॉस्टो। नौवां क्वेश्चन है अकाउंट ऑफ ए बैंक इन इंडिया विद ए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अब्रॉड इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। बोलते जो अकाउंट होता है भारत में, बोलते अकाउंट है किसी बैंक का भारत में जहाँ पे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो होता है विदेश का, तो विदेश में फॉरेन करेंसी में है तो उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है लोरो, बी ऑप्शन है एफसीएनआर, सी ऑप्शन है वॉस्ट्रो, डी ऑप्शन है नॉस्ट्रो, ई ऑप्शन है स्क्राउ। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नॉस्ट्रो। दसवां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स। इनमें से कौन सा चीज सही नहीं है जब क्लासिफिकेशन करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स के लिए। ए ऑप्शन है नॉस्ट्रो, आवर अकाउंट विथ यू, बी ऑप्शन है वॉस्ट्रो, योर अकाउंट विथ अस, सी ऑप्शन है लोरो, देयर अकाउंट विद देम, ई ऑप्शन है डी ऑप्शन नन ऑफ देम। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ देम, यानी सारे ऑप्शन सही है। यहाँ पे मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड भी होता है, यहाँ पे आपको जे आई बी सी आई बी का कोर्सेज कराए जाते हैं, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉग इन आई डी पासवर्ड मिल जाएगा, उसकी हेल्प से वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं। 2006 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिविजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। अब जे आई बी का प्रिंसिपल से लेकर पेपर करते हैं, पीपीटी की वीडियो कोर्स दाम में 600 रुपये, फिर से फेस वीडियो कोर्स करते हैं दाम में 1200 रुपये, जे आई बी का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स में दाम में 800 रुपये, फिर से फेस वीडियो कोर्स करते हैं दाम में 1500 रुपये, जे आई बी का कॉम्बो पर करते हैं, एलपीडी पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसके दाम में पीपीटी वीडियो कोर्स 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम में 3000 रुपये, सी आई बी का एबीएम बी एफ एम डिजिटल बैंकिंग को पेपर करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम में 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम में 1500 रुपये, सी आई बी का दोनों कंपलसरी पेपर यानी ए बी प्लस बी एफ एम करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम में 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम में 3700 रुपये, सी आई बी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं प्लस डिजिटल बैंकिंग यानी ए बी एम प्लस बी एफ एम प्लस डिजिटल बैंकिंग, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम में 2000 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम में 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcbstudymetal.com, ईमेल भी हो जाएगा सेट सेना 3@gmail.com।